ओस एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं हिकोडाची। हिकोडाची स्टांस क्या है, इसको हम टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड करके सीखेंगे। फर्स्ट फुट पोजीशन, सेकंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हैंड पोजीशन एंड फोर्थ बॉडी पोस्चर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिकोडाची यानी कि पैरेलल स्टांस। हिकोडाची इसे जापानीज में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पैरेलल स्टांस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जितना आपका शोल्डर है उसके गैप में अपने पैर को रख कर, जितना ही आपका शोल्डर का वेट चौड़ा होता है आपका शोल्डर, उतना ही वेट में क्या करना, वाइड में आपको क्या करना पड़ता है, अपने पैर को फैला के रखना पड़ता है। जितना चौड़ा आपका शोल्डर है उतना ही चौड़ाई में आपका पैर रहेगा। और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके बाहर का पोर्शन होता है पैर का, हम जस्ट नॉर्मली खड़ा होते हैं तो साइड वाइड जाता है, ये जो बाहर का आउटर फुट का आउटर पार्ट है उसको सीधा 180 डिग्री लाइन में रखना होता है। दोनों पैर को इस प्रकार से रखना होता है और जो सामने का हमारा पैर होता है टो, उसको भी आपको क्या करना है, एक लाइन में रखना है। जैसे कि ये पैर हो गया आगे हो गया और ये पीछे हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा नहीं होना है। दोनों टो जो हमारे सामने का है टो है उसको यहाँ पे रख के एक लाइन में खड़ा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हिकोडाची। इसको क्या बोलते हैं, हिकोडाची पैरेलल स्टांस। इस प्रकार से ये हिकोडाची हुआ, जो इंग्लिश में इसे पैरेलल स्टांस बोलते हैं। हम फुट पोजिशन देख लिए हैं, बाहर का साइड रहेगा 180 डिग्री मतलब एकदम सीधा लाइन में और आगे पीछे अपने पैर को नहीं रखना है। अब सेकेंड पॉइंट का हम बात करते हैं, उसको बोलते क्या, सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं गलती बताता हूँ कि इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैर पे अंगूठे पे इस प्रकार से वेट ज़्यादा देकर खड़े हो जाते हैं, नहीं तो कोई हील पे इस प्रकार से अपने फिंगर्स को उठा कर इस प्रकार से खड़े होते हैं। आपको इस प्रकार से खड़ा नहीं होना है, आपको अपने टो और हील पे दोनों पे बराबर वेट रख के कुछ इस प्रकार से खड़ा होना है। तो ये हो गया वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हम थर्ड बात करते हैं हैंड पोजिशन का। हैंड पोजिशन आपको क्या रखना है, ये जो हम स्टांस किए ये, तो आपको हैंड पोजीशन अपने हाथ को साइड में कुछ इस प्रकार से यहाँ सामने से क्रॉस करके अपने हैंड को साइड में रखना होता है। हैंड पोजीशन को हो गया। अब हम फोर्थ बात करते हैं क्या, बॉडी पोस्चर। देखिए, बॉडी पोस्चर कोई भी स्टांस करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है, क्योंकि बॉडी पोस्चर से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखते हैं। तो हम बॉडी पोस्चर का बात करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों पॉइंट को नोट कर लेना है, उसके बाद अपने बॉडी पोस्चर को करना है। ये जो हम कर रहे हैं शोल्डर रिलैक्स, जो हमारा शोल्डर है उसको रिलैक्स रखना है, अपने चेस्ट को, ये चेस्ट हमारा है इसको अप ऊपर की तरफ रखना है, चिन को सामने एकदम और स्ट्रेट देखकर कुछ इस प्रकार से खड़ा हो जाता है। तो ये हुआ अपना बॉडी पोस्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टैंड करते समय, ये आपको क्या रहता है, कॉन्फिडेंट लुक देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओस एवरीवन।